Hi guys, how are you all? Hope you're doing well. आज हम लोग एक बहुत ही क्विक रेसिपी बनाने वाले हैं. इसका नाम है इंडो चाइनीज पिज्जा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किस चीजों की जरूरत होगी. दो पिज्जा बेस. देखिए यहाँ पर जो मैंने पिज्जा बेस लिया है वो स्टोन बेक्ड है. तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है. कुछ हर्ब्स के साथ ये बना हुआ है तो जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा. अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो कोई भी पिज्जा बेस आप यूज कर सकते हैं. इवन आप घर में बना हुआ पिज्जा बेस भी यूज कर सकते हैं. 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, 2 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप श्रेडेड चीज, 1 कप मोजरेला चीज, 1 चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक टेस्ट के हिसाब से ले लें. कुछ वेजिटेबल यूज करेंगे यहाँ पर. ये मैंने तीनों कलर वाली शिमला मिर्च ले ली है, कुछ 1 कप के करीब. हरा प्याज है, ये 1 कप ही है. ये भी कुछ ऑलिव्स लिए हैं ग्रीन. अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज चिकन भी यूज कर सकते हैं आप. यहाँ पर मैं 2 चम्मच शेजवान चटनी भी यूज करने वाली हूँ. 1 चम्मच कोई भी मेयोनीज ले सकते हैं. तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले ओवन प्रीहीट करना है. मैं इसे 250 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर रही हूँ. देखिए अब हमारा ओवन गर्म होने के लिए रखा है. तब तक हम पिज्जा बेस को रेडी करते हैं. यहाँ पर हम सबसे पहले पिज्जा बेस पे टमाटो सॉस लगाएंगे. उसे हम प्रिपेयर करते हैं कुछ चीजें उसमें ऐड करके. देखिए सबसे पहले ये 2 चम्मच टमाटो सॉस है, इसके अंदर हम 2 चम्मच शेजवान चटनी ऐड करते हैं. करीब 1 चम्मच मेयोनी है, 1/4 टेबल स्पून ऑरिगेनो डालना है यहाँ पर, और उतना ही 1/4 स्पून चिली फ्लेक्स. अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है. देखिए यहाँ पर इसका कलर और टेक्सचर दोनों थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा. अब हम सारे वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई कर लेते हैं. यहाँ पर गरम पैन के अंदर मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ. यहाँ पर अब मैं सबसे पहले ग्रीन अनियन ऐड कर रही हूँ. जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इसे यहाँ पे. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुक हुआ है. इसके अंदर अब हम लोग शिमला मिर्च ऐड करेंगे. अब यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, ऑरिगेनो, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ले लें. अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर देते हैं. अब मैं यहाँ पनीर ऐड कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो इसके साथ चिकन भी ऐड कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने कुछ 2 मिनट तक पका लिया है और अब मैं गैस बंद कर रही हूँ इसका. और ये अच्छी तरह पक चुका है सब कुछ. अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए. यहाँ पर अब ये सिल्वर फॉइल के अंदर मैंने पिज्ज़ा को रखा हुआ है. अब इसे रेडी करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पर बटर लगा रही हूँ. इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है. यहाँ पर अब जो सॉस हमने रेडी किया था टमाटो सॉस, उसे यहाँ डालना है. 2 चम्मच के करीब यूज करेंगे. अच्छी तरह से मिक्स फैलाना है यहाँ पर इसे. सबसे पहले मैं श्रेडेड चीज ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर. अब यहाँ पर मोजरेला चीज ऐड करना है. यहाँ पर अब सारे वेजिटेबल्स जो हमने स्टर फ्राई किया है वो ऐड करते हैं. अब
थोड़ा ऑलिव्स ऐड करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ और वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ मैं, रॉ शिमला मिर्ची है सारी। अगर आप चाहें तो कुछ कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, जैलेपिनोस भी ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए ये रेडी हुआ है, अब इसे हम ओवन में बेकिंग के लिए रखते हैं और कुछ 20 मिनट के लिए रखते हैं 250 डिग्री पर। के लिए टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। बहुत टेस्टी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। होप यू लाइक माय चैनल माय वीडियोस। बाय बाय।